बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करने के ठीक ठाक हो सो, खुश पाश हो सो। वेलकम बैक टू केवी फैमिली। आज ने व्लॉग ना करने आगाज। आज ना व्लॉग कुछ डिफरेंट और कुछ नए अंदाज च आने लाया, जिस व्लॉग ना काफी सारा बंदे इंतजार करने से ऐसा कर सा समथिंग डिफरेंट, ऐसा कुछ ऐसा पहली दफा करने लगे हैं। असा आउटडोर कैंपिंग और आउटडोर कुकिंग करने वाले हैं। असा एक कश्मीरी खूबसूरत इलाके ने जानब सफर करने लगे हैं, जिसने वास्ते असा सारा सामान आउटडोर कुकिंग वास्ते, आउटडोर कैंपिंग वास्ते सारा सामान असा इकट्ठा करी किंदा। इंशाल्लाह ए व्लॉग साकी जरूर पसंद आपसी, ते व्लॉग की लास्ट तक जरूर तके। और जेने पर अपना सारे चैनल पर नए हैं, चैनल के लाजमी सब्सक्राइब करें। चलो आई जाओ, उन चलने हैं अपने सफर ना करने आगाज। शुरू हो गया, मौसम यकीन करो आज बड़ा ही खूबसूरत है। रात ने टाइम काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और हूँ भी जी ना असने पास हल्की हल्की बारिश जी है ना वह स्टार्ट हो गई है। मैं दसना हाँ स्क्रीन पर, विंड स्क्रीन पर क्या नज़र अच्छा हो सी कि निकिया निकिया कनिया जी ना वह टहनिया शुरू हो गई हैं। दरियान असा हूँ पहुंची आए हैं, तो हूँ अस बस कुछ कुकिंग रिलेटेड समान किन्ना आ जरूरी सामान चाहिए किंदा है, तो हूँ अस रुकना कोई नहीं, तो बस सफर करना आसानी मंजिल तक। तो डरियाल इधर बारिश लगी हुई, तो हूँ दिखो अगे क्या बनना। माशाल्लाह जी सा सफर बड़ा बेहतरीन जाई रहा। तकरीबन एक बजे अस डड़िया चीज़ा वगैरह किनी के निकते सियाँ, तो इसलिए अस अजीरा बाजार की क्रॉस करी आए हैं और टाइम जरा तकरीबन चार होने की 10 मिनट रहने पे। तो अजीरा बाजार से निकली कोई अस तकरीबन 5-7 किलोमीटर सफर करी रहे हैं, तो बाकी हूँ नाल नाल तकने व्यू माशाल्लाह इतना खूबसूरत तकने वाला। ये नीचा तकी सकने हो, इतना खूबसूरत पहाड़ पहाड़ों पर व्यू है, नीचे इतनी खूबसूरत ग्रीनरी है। तो बारिश से बाद वैसे भी मौसम माशाल्लाह साफ होना ना, जिसलै उसे हर चीज़ क्लियरली दिसनी होनी है। सो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है तकने वाला। इधर का मौसम वक्त ही बारिश अरिश को नहीं, क्योंकि सड़क सुकी भी है, तो क्या हफ्ता बाद लगी ना पै, पर अजय तो माशाल्लाह निज़ाम बेहतरीन जाना पाया। माशाल्लाह जी यकीन करो इतना खूबसूरत और प्यारा वेदर है इस साइड पर। हल्की हल्की धुंध जी पे भी है, कुछ जगह पर ज़्यादा ही है, कुछ जगह पर कम है, तो यकीन करो बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश करी रही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह ये व्यू चेक करो, एकदम बंदा फ्रेश हो जाना। ये नीचे तक क्या है फिजा, कितनी ज्यादा ये तुंद नहीं है, सारे चढ़ नीचे गए हुए, इतने ज्यादा लगने पे ना पूरा यकीन करो बहुत खूबसूरत लगना पे नीचे व्यू। हाँ ये तो करो कितना प्यारा नज़ारा है। हम आसाना सफर भी बिल्कुल नज़दीक है, बस सफर के टाइम में कुछ कितना खूबसूरत नज़ारा। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लगने पी है, ये नीचे ग्रीनरी चेक करो, तो नीचे उस नाले में जितने ज्यादा चाट गए ना सही धुंध पे भी है।
असर नहीं अजाना ना टाइम होया है अजान होनी भी है पाइयो देने दे आसा इस टाइम पुज चुके हैं तौली पीर। तौली पीर यकीन करो बड़ा ही खूबसूरत मौसम आ गड्डी असें खलाई है ते इसलिए असा यकीन करो बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगनी पई तो बड़ा खूबसूरत फील करी रहे हैं ते इत्थे नाल ही असा गड्डी रोड है नाल ही खलानी है बेसिकली क्योंकि असा कैंपिंग वगैरह करना फर्स्ट टाइम माड़ा भी एक्सपीरियंस आनी के बाहर कैंपिंग करना ते खाने बारे तो तुसें पता ना मैं अक्सर बाहर असा जाने रमजान में भी जे कुकिंग वगैरह करने उसना तो मसला कौन ही है कैंपिंग वगैरह करसा नफीसा ने तो मतलब टोटली फर्स्ट टाइम है कैंपिंग भी और आउटडोर कुकिंग करना भी ते यकीन करो बड़ा मज़ा अच्छने ला ते नफीसा हुन इसा ना जरा ना दुद्ध शुद्ध बनानी पई है मैं तू उसकी बनाई क्या 4500 पहले कि वो जरा ना फिर भुखना उसकी लगा तो फिर उसकी डिस्टर्ब नहीं करना रोन भी नहीं लगा वाकर आँदी भी है उस वास्तै तो उसकी बालसा उत्थे बिच ते नाल असा फिर कुकिंग वगैरह भी करने आ फटाफट असा समान कढ़ा कैंप ला क्योंकि टाइम 5 हो ही गए ना मैं जगह सिलेक्ट की है पिछली साइड पर मैं प्लास्टिक डाई तो इसने पर असा लाना है कैंप क्योंकि बारिश हुई भी है ना जगह सारी गिली है सिज्जी भी है मौसम ना भी कोई पता कौन है कि राती बारिश लगी पै या और थोड़े टाइम जी लगी पै फिर कम खराब हो जैसे इस मारे नीचे डाया प्लास्टिक उसने उपर कैंप लासा कैंप लाई के तो फिर अंदर दरी वगैरह डाई इंसान इधर ये जी चीज़ डाई है ये भी दरी है वाटर प्रूफ है इसने नीचे पानी उपर नहीं छुला तो यह सारा कुकिंग ना समान है ऐसा ना जितनी भी जरूरी चीज़ा अस तैयार करनी जी आंटी वो भी तुम अगर चली दसा मिगी लगनी सी थोड़ी जी ठंड समय अपनी शाल करी किंदी ते मारी नई शाल ही तो मारी फर्स्ट टाइम इस शाल की करने आवा ते ये शाल स्पेशल आंदी सी ठीक मारे वास्ते ते हुन असा डान लगे हैं कैंप आज वैसे कैसा एक उन्होंने बंदनी एक्साइटमेंट होनी है मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज कैंपिंग होती है यकीन कर सो मैं इतनी एक्साइटेड था मैं रात ही नींद नहीं सी पानी जैसा छोटे बच्चे की भाई रो ना रात ही इतना टाइम गुजरी गया मैं वैसे आया भी इस्लामाबाद सा मैं काफी लेट है कोई 12 ने कॉल आया एक ही गया ए आया मैं की नींद कोनी थी मैं इतनी जना एक्साइटेड हूं था जुसा मैं है सही रो कोनी सुबह उठिया जा सकता क्या जाती जैसा छोटे बच्चे नहीं होने ना कि भाई रो के ऐसा कुदरे जा सा ये कर सा वो सहने कोई नहीं मिकी इतनी एक्साइटमेंट सी क्योंकि मिकी वैसे टोटली फर्स्ट टाइम है ना टोटली फर्स्ट डोर सा कुकिंग कर लिया गठिया और कैंपिंग भी मैं इन्हें वीडियोस तक नहीं होनी सकता मिकी भी बड़ा दिल ना सके जाय करा खत्ता के कितनी दफा नफीसा मिकी है कि तुसा अक्सर जाने और दोस्तों नाल जाने और बाहर कुकिंग करने हो ਅਸਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਣੇ ਬਣਾਣੇ ਟਾਈਮ ਲਭਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਈਸਾ ਨਿੱਕਾ ਸਾ ਹੁਣ ਈਸਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਈਸਾ ਥੋੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵੈ ਕਰਤੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈ ਕਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਨਾ ਔਰ ਆਊਟਡੋਰ ਸਟਫ ਨਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇਤਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਹੁਣ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਐਸਾ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੀ ਹੋਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕੈਂਪ ਕੀ ਖੋਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਕੀ ਵੀ ਦੱਸਨੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕੈਂਪ ਲਾਣੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋ ਵੀ ਤੱਕੋ फाइनली लाई चुके हैं हूँ जल्दी जल्दी असा करा इस तरह के कुकिंग वगैरह भी करसा नफीसा जरा वो चीज़ा सारी कटनी पी है सो उसना वो कम है मैं इतने टाइम तक क्योंकि नेरा पे गया फिर ड्रोन शॉट नहीं बनाई मैं ड्रोन शॉट बनाई कि फटाफट कुकिंग विच क्या तैयार करा स्पेशल ईसा आना वो आना ये गल ना बस उसकी गल चंगी नहीं लगी बाकी इधर प्याज वगैरह कटन गया ते इधर टमाटर वगैरह कटन होने पे फटाफट ये चीज़ कटने इधर कुकिंग में शुरू करी किंदी तो सबसे पहले अस चीज़ा कर सा फ्राई ते असा ये फिश फिलेट से ओ मैं क्यों भाई ते उनको फ्राई Thank you.
जितने टाइम तक मैं ड्रोन शॉट बनाए उतने टाइम तक नफीसा जिन्हें चीज़ा कटने लिया कटी फाइनल करी ते कुकिंग ऑयल बाई ते असा कुछ चीज़ा फ्राई करने लिया भी आंदियां सन ते जितना मैं कुकिंग इच बार आने के एक्सपर्ट है ना क्योंकि असा बार करने लिया नफीसा की इतना अजय कोई नहीं पता है फर्स्ट टाइम है सो इसनी हेल्प पूरी पूरी नाल मैं कर सा ते वो आटा गुन्नी पई है रोटी भी असा इतें ही पका सा सारा कुछ असा अपना इतने तैयार करना है ते आटा गुन्नी थोड़ा टाइम पहले रखी हुई कि देसी आटा है ना तो ज्यादा मजे ना बनती फिर दुआ करो बारिश ना लगे हाँ ये लाजमी सर जितने पिंडा तकने पे हो दुआ करिए कि बारिश ना लै क्योंकि बारिश ले पे तो असा ना फिर कैंप ने अंदर सारा कुछ करना पे जैसी जरूरी फिर वीडियो है ना फिर वो उस तरीके ने नहीं बनी सकनी खाई पी रहा बाद ही पे बारिश लगी रहा फिर कौन ही है फिर बंदे और ज्यादा मजा आशना माशाला जी फिश असा नहीं तकी सकने बड़ी खूबसूरत जी है ना वो फ्राई हो चुकी है ते हुण असा जेहड़े बाकी पीस है वह बाए वे तो यकीन करो बड़ी खूबसूरत खुशबू छनी पे इस बड़ा तंग होना पाया कि मिकी घरों बेडा बरू चाहिए क्या तो घरों की नहीं तो कुछ राय और उसकी है असा थोड़ा बदे आ मैं अगर इन्हें लाई प्रवा कर रोड़ी जाए तो ये नफीसा आटा गुनी किन सी फिर इसी मैं भेज सा कि तू जा गड्डी भी सवाली छोर सही जैसी हूँ पता नहीं असल घर भी बस इस टाइम इन्हें सुत सही जाना होना दूसरी पीसी सही जैसी गड्डी फिर असा इतना रखी किन सा तो फिर टेंशन कौन है या कैंपे ने अंदर लगी जैसी थोड़ा सवारी हो सी सर बेसिकली असा ना ये बार अच्छा इस तरह कुकिंग वगैरह करना ये एक शौक है एक हॉबी है ठीक है और दूसरी साइड पर देखा जाए तो नाल सारी ये जॉब भी है कि असा मसलन बार अच्छे वीडियोस वगैरह भी बनाने अस कुछ ब्यूटी खूबसूरत खूबसूरत असा भैन भ्रा की दसने बार जितने असने भैन भ्रा तकने पे और नाल एक साढ़े कश्मीर की जी खूबसूरती है वह भी एक्सप्लोर होनी पी है और नाल असा ना भी कम चलना पाया तुसा भी इंटरटेन होने पे हो असा भी इंजॉय करने पे नाल नाल हांडी विच एक नई चीज़ है बनासा खैर खाने तक कितनी दफा अगर खाई चुके हैं पर अज जो यूट्यूब ने चैनल पर के भी फैमिली पहली दफा साड़ी वीडियो देखो जिसने असा बनाई रहे हैं चिकन सीख कबाब ली हांडी बनाना इंतहाई आसान है नॉर्मल जिस हांडियाँ बनिया उस बनिया पर हर बंदा अपने अपने अंदाज बनाना पर टेस्टी बड़ी होनी है इन्हें लो जी हांडी जी ना बन लगी है ਨਾਲ ਜਾਜ ਮੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਜ ਥਈ ਮੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਜ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਦਾ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣਾਣੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਸਾਂ ਸਾਲਣ ਇਤਨਾ ਬਣਾਸਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਮੰਮਾ ਤੀਸਾ ਵੀ ਅਸਨਾ ਪਿਆ ਤੱਕ ਨਾ ਭਾਜੀ ਨਾ ਕਿਨਿਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਐ ਬਚਾਈ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਲਾਦ ਖਾਈ ਗਿਆ ਸਾ ਠੀਕ ਆ ਅਸਾਂ ਐਡ ਕਰੀ ਛੜੇ ਆ ਪਿਆਜ਼ फ्लेम थोड़ा करने तेज माशाला जी सूरज गरूब होने ने करीब सबसे दिसना उसी पहाड़ी ने नड़ाया ते इसलिए इतना खूबसूरत नज़ारा लगना पाया कि सूरज बाहर निकली है तो पूरी क्लियर नहीं यकीन करो खूबसूरती नज़र अच्छी भी इधर चेक करो हूँ माशाला इधर आंडी जी है ना वो आलमोस्ट जी वो तैयार है ठीक है ते कैंप शैंप सारा लगे आ चीज़ा चीज़ा हूँ सारिया ज़्यादातर हो ही चुके हैं ते मैं इधर आंडी नफीसा ही चेक कराई है नफीसा तो ईसा दो जरा आंडी चेक करने पे कैसी लगी मजे नहीं सी नाइस मजे नहीं सी ईसा गड्डी आएगी चेक गड्डी आएगी है चलो खासा तो बकाया पता लसा अला बस आंडी तैयार है आंडी तैयार है आंडी की लाने हैं ते इसकी रखने हैं ते फिर अगला कम जरा ना नाल ये भी है ना अस इस तरह ना करी कि ना कि आंडी लाई रखने हैं ते जिनी फ्राई चीज़ा हैं वो खाई किन्ने हैं ते फिर रोटियां नाल बाई किन्ने सच रहा क्या सोचने हो इसे करी किन्ने हैं ते यकीन करो बड़ा ही ज़बरदस्त हूँ मैं तो आना कि पैसे पूरे हो गए सूरज निकली है या सीरियसली क्योंकि नेरा पैना जाना सा ना ते हांडी भी बनी गई है बस रोटियां बनी गई तो साढ़ा कम ही कम हो गया जितने असा लेट हुए से उतना असा ना असा सोचने से कि उस तरीके ना सारा प्लान नहीं कामयाब होना क्योंकि असा सोचने नेरा पे जैसी बारिश हुई जैसी पर अल्लाह ताला बू असा साथ देता पैना पर तो दुआ की है ते बाकी हूँ इस तरह असा सपोर्ट करने रहे तो चैनल की लाजमी सब्सक्राइब कर सो ठीक है तो असा हूँ तकने अगला क्या सीन होना सूरज तो असने तक तकने गया गुरूब हो इधर जनाब रोटी पकनी शुरू हो गई सी तो ईसा जरा ना रोन लग पाया नफीसा उधर गई ठीक है
रोटी बही की है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त रोटी बही है। ते ए नफीसा बगैर बेलने सू बनाई है ते बड़ी सोहनी बनी गई। हूँ इतना मसला आया कि हवा चलू नहीं पी, तो गैस जरा वो इधरों लगनी हवा तो सारी गैस जी उधर चली जानी सही, अग नहीं लगनी भी। चलो रोटियां बनी जान तो मैं है इतना जल्दी जल्दी फिर असा बेह के आराम सुकून कैंपे च लैट लाई के खाई किंसा। तो बाकी और हूँ मोहम्मद ईसा आ कि अगर वो चुप करी तो सही रहा तो चंगा आ, असल बाहर आया ना थोड़ा जा वो शाम ने टाइम थोड़ा उसकी लगना आया, तो हूँ मैं अंदर रुकी नहीं तो बोस फोन शोन लाइट सेट बाल थोड़ा जा मतलब इली मिली जाए। अलहमदुल्लाह जी असा दस्तरखान लगी गया आ, ये है जी फाइनल असनी हांडी नी लुक। ये है चिकन सीख कबाब नी हांडी है माशाल्लाह, बड़ी सोहनी खुशबू ही अच्छी पी। बाकी इधर सलाद आई गया, ये असं फ्राई करने वाली चीज़ा जी ये भी कटी गई। रोटी माशाल्लाह ये भी तैयार है, ईसा खाना पिया सो ईसा रोना सा उसकी खुआना शुरू करी ने, तो हूँ असं भी खाने हूँ। चलो जी शुरू करने आ, बाकी क्या फील हो रही है इसलिए कैंपे में बैठे इसलिए मैं बहुत डैडी भूख लगी है। माशाल्लाह जी मजा आशना बाहर टोटल नेरा पे गया हूं, टोटली नेरा आया इसलिए मैं सही बार भी दसी होना इसलिए बिल्कुल ए बार नेरा पे आवा दिसना कुछ भी नहीं। तो हूं यकीन करो मिकी भी भूख लगी हुई, जल्दी जल्दी खाने आ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना असा खाई चुके हैं, बड़ा जबरदस्त मजा आया, बड़ा यकीन करो कि इतना ठंडी ठंडी हवा चलनी पई है, बड़ा ही माहौल जबरदस्त है। इधर हबस को नहीं है, साढ़े एरिए गर्मी बहुत ज्यादा है, यकीन करो उधर रात ने टाइम ही बाहर नहीं बेहना, इतने हूँ अस कैंपे बैठे हैं तो अच्छा फील करने हैं। बाहर थोड़ा टाइम खोलो या बो ना सर्दी लगनी, ठंड काफ़ी ज्यादा ही है कि यकीन करो राती अक्सर दिल करना ठंडी जगह पर कि बंदा चाह पी है। सो मैं चाह ना इंतजाम भी नाल करूँ करी के आया सा, तो चाह असा बनानी है, बनाई के तो इतने पीनी नहीं है वो बस असा बॉटल बिच, ते हूँ बनाने चाह। पानी में थोड़ा जहा रखे गर्म होने वास्ते, इधर ये चीज़ा दुद्ध वगैरह भी आ। तो सीन कुछ इस तरीके ना कि असा नाइट स्टे जी सी ना वो कैंप विच नहीं करनी क्योंकि साढ़े नाल बच्चा भी है, सो फैमिली वै तो बाहर इस तरह नाइट कैंपिंग करना नहीं अच्छा होना। तो खाना शाना खाधा आराम सुकून नाल, मिकी तो बड़ा मज़ा आया यकीन करो, ठंडी ठंडी हवा, मैं तो इतना मिकी चंगा लगना पाया नफीसा तो इस तरह की थोड़ी ठंडक लगी है, पर मिकी कौन ही ठंडक लगी। मैं इस यकीन करो इतनी गर्मी चो निकल के इतना आया ना, मैं बड़ा सुकून महसूस किया, चाह वगैरह भी बनाई रहे हैं। तो हूँ बस निकलने हैं, तो नफीसा को भी पूछने हैं कि खाना उसकी कैसा लगा, तो उसने क्या फीडबैक है, और नीचे असा चलने हैं तकने हैं खाई गल स्टे किया जा जिते भी असा ना प्रोग्राम बनी गया उतें नहीं रात अस किसी होटल ही चली स्टे कर सा। सफर असा ना मुड़ी शुरू हो गया नीचे शहर नहीं जाना ब। अल्हम्दुलिल्लाह रूम असा चेकिंदी तो माशाल्लाह खाना जबरदस्त सी, 10 out of 10 सी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, सीनरी बहुत ज़्यादा इंजॉय की, फ्रेश हवा आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंजॉय की। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैंपिंग तो आउटडोर कुकिंग, तो यकीन कर सो मिकी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सारा आज ना ब्लॉग उम्मीद करनी है कि आज ना ब्लॉग सके पसंद आया उसी, आज ना ब्लॉग टोटली डिफरेंट सी मेरे चैनल पर ये जी वीडियो को नहीं पहला तक की, तो उम्मीद करनी है कि सके पसंद आई उसी। तो अगर वीडियो सके पसंद आए तो फिर वीडियो के लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल के लाजमी सब्सक्राइब करें। तो हूँ की इंसान इजाजत दुआई की अल्लाह तला सके खुश पाश रखें सेहत वाली जिंदगी दें, तो मिलने अगली वीडियो अल्लाह सुनने वाला।